सो एवरीबडी, लास्ट वाले वीडियो में हमने सीखा था फ्लैपी और कबूम वो, आज हम सीखेंगे मल्टी बूम और आउट को। और जल्दी से सभी मिली प्रोजेक्ट्स को समझने के बाद हम अपने मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाले हैं। सो देखते हैं, यहाँ हमने दो बैकग्राउंड दिए, ठीक है, एक एरे बनाया जिसमें हमने दो बैकग्राउंड का एरे ऑफ एरे, फिर हमने एक फॉर लूप चलाया दो के लिए, फिर हमने कॉन्स्ट के इक्वल कबूम हमने बैकग्राउंड दिया और ऐसे किया k डॉट लोड बीम यानी कबूम डॉट लोड बीम और हमने बीम को लोड कर दिया। फिर हमने एक फंक्शन दिया स्पिन, कंपोनेंट है आप कह सकते हो, और हमने स्पिनिंग इफेक्ट यहाँ से डाल दिया। अब मैं थोड़ा सा इसको और क्लैरिफाई कर देता हूँ। हमने एक लूप चलाया टू प्ले, एक और दो, ठीक है, फिर हमने उसमें कबूम फंक्शन ऐड किया दोनों के लिए, इसमें बैकग्राउंड में ऐड दिया, पहले वाले में पहला वाला जाएगा, दूसरे वाले में दूसरा वाला जाएगा। ब्लो कलर हमने फॉल दिया, वेड हमने सेट कर दी, फिर हमने कहा के डॉट लोड बीम यानी भाई बीम को लोड कर दो, ये इनबिल्ट फंक्शन होता है, ठीक है, कबूम का इनबिल्ट फंक्शन होता है लोड बीम, क्योंकि बीम जो है मोस्ट कॉमन है कबूम में, इसलिए उसके लिए स्पेशल फंक्शन होता है। कस्टम स्पिन कंपोनेंट, फिर हमने खुद का स्पिन कंपोनेंट बनाया जिससे हम ये घुमा पाए। रिटर्न किया आई डी, हमने स्पिन दे दी और अपडेट हमने स्केल और एंगल दे दिया, ठीक है, और फिर हम ऐड कर रहे हैं स्प्राइट को, कबूम डॉट ऐड स्प्राइट दे रही, ठीक है, हमने ऐड कर दिया इस वाली स्प्राइट को जो कि है बीम, और इसको हमने स्पिन दे दी, और फिर हमने टैक्स को भी ऐड कर दिया हैश, और फिर हमने आई दे दिया डॉलर में, देखो यार टैम्पलेट क्रिप्टोस का यूज है, तो अगर आपको नहीं पता क्या होता है, या फिर टैब के ऊपर जो छोटी सी होती है उसको अगर आप दबाओगे तो ये आ जाएंगे, और अगर इसके अंदर आप डॉलर फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर कुछ लिखते हो तो वो ऐसा जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होता है, बाहर वाली चीज़ जैसे स्ट्रिंग एग्जीक्यूट होती है, तो इसलिए है जीरो हैश वन आ रहा है। तो ये हुई इस वाली की बात मल्टी बूम की। अब बात करते हैं आउट की, तो ये कोड है आउट का छोटा सा, और डिटेक्ट इफ ऑब्जेक्ट इज आउट ऑफ द स्क्रीन। तो सबसे पहले हमने स्प्राइट को लोड किया, फिर हमने हैंड आउट हैंडल आउट कंपोनेंट बनाया, उसका आई डी ए भी कस्टम कंपोनेंट में आई डी ए लेती है, और रिक्वायर क्या है पोजीशन रिक्वायर है, हमने अपडेट किया कॉस्ट एस पोस्ट, हमने एस पोस्ट लिया जिस डॉट स्क्रीन को, स्क्रीन पोजिशन को हमने क्या ले लिया एस पोजिशन, एस पोजिशन डॉट एक्स ये है डॉट ये है ये है ये है, इफ एफ हमने लगा दिए, या तो ये या तो ये या तो ये या तो ये हो तो क्या करो, दिस डॉट ट्रिगर्स आउट यानी एक तरीके से हम कह रहे हैं कि बाहर है तो भाई बाहर हमारा ट्रिगर कर दो। स्पीड 640 है, फंक्शन शूट मैं लाइक ये देखो मैंने क्लिक किया फिर बाहर जा रहे हैं मेरे क्लिक करते ही ये इधर उधर फैल रहे हैं, ठीक है, लेकिन शूट हो रहा है वो कैसे हो रहा है। सबसे पहले सेंटर में और माउस पोजिशन ले ली, ओरिजिन हमने ये लिया, हैंडल आउट हमने फिर फंक्शन दे दिया, और डी आई आर माउ एम्पोज और सब सेंटर में लिया, ऑन की प्रेस स्पेस शूट। अब मैं स्पेस से भी कर सकता हूँ, मुझे बस डायरेक्शन डिफाइन करनी है, ऑन क्लिक शूट, ठीक है, और ये कहाँ पे किस लिए एम्पोज डॉट सब सेंटर डॉट यूनिट, ठीक है, डायरेक्शन हमने यहाँ डिफाइन कर दी, और इस तरीके से यार ये पूरा वर्क कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार हो या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना, ये वाला को जरूर से लेना, पूरा हमने ट्यूटोरियल मिनी प्रोजेक्ट्स और मेगा प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना ताकि नोटिफिकेशन में पता चल जाए कि यार नई वीडियो आ गई। मैं मिलता हूँ आपसे नई वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय बाय।